नमस्कार, मैं डॉक्टर डीएस चौहान। इस वीडियो में आपका हार्दिक स्वागत है। हम भारत के भूगोल के तहत भारत की कृषि पढ़ रहे हैं और पिछले वीडियो में मैंने आपको भारत के प्रमुख मसालों के उत्पादन के बारे में बताया था। इस वीडियो में हम भारत के प्रमुख फलों और सब्जियों के उत्पादन से संबंधित बात करेंगे। तो आप इस वीडियो को ध्यान से देखिए, क्योंकि वीडियो के अंत में कुछ प्रश्न है जो परीक्षा के लिए महत्वपूर्ण हो सकते हैं। सबसे पहले हम ये जो फल और सब्जियां हैं उनके उत्पादन को हम हॉर्टिकल्चर जो कृषि की एक ब्रांच है उसके अंदर रख सकते हैं। तो हॉर्टिकल्चर का मीनिंग क्या होता है? द ब्रांच ऑफ प्लांट एग्रीकल्चर डीलिंग विद गार्डन क्रॉप्स जनरली फ्रूट्स वेजिटेबल और ऑर्नामेंट्स। मतलब कृषि की एक ऐसी शाखा जिसमें गार्डन क्रॉप्स पैदा की जाती है, जैसे फलों का उत्पादन है, सब्जियों का उत्पादन है, ऑर्नामेंटल प्लांट्स जो सजावटी पौधे होते हैं उनका उत्पादन है। तो इन सब चीजों के उत्पादन को हम हॉर्टिकल्चर कहते हैं। अब अगर हम भारत में हॉर्टिकल्चरल जो प्रोडक्ट्स हैं उनके उत्पादन पर बात करें तो भारत सरकार ने 2018 के अंदर जो डेटा जारी किए हैं उसके हिसाब से देखें तो टोटल हॉर्टिकल्चरल प्रोडक्ट भारत में 311.7 मिलियन टन उत्पादन हुआ था और उसमें से फलों का उत्पादन 97.4 मिलियन टन है और वेजिटेबल सब्जियों का जो उत्पादन है वो 184.4 मिलियन टन है। ये पूरे भारत में टोटल प्रोडक्शन है हॉर्टिकल्चरल जो चीजें हैं उसमें, और विशेष तौर पर सब्जियों और फलों का उत्पादन, क्योंकि इस वीडियो में हम सब्जियों और फलों की ही बात करने वाले हैं। अगर हम स्टेट वाइज कंपेरिजन करें तो हॉर्टिकल्चरल चीजों का सबसे ज्यादा उत्पादन कंबाइंडली सभी चीजों को मिला के तो उसमें उत्तर प्रदेश नंबर वन पर है 12.6% भारत का कुल हॉर्टिकल्चरल प्रोडक्ट का। उसके बाद वेस्ट बंगाल, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र और आंध्र प्रदेश का नंबर आता है। इसी तरह से अगर हम कुल फलों के उत्पादन की बात करेंगे भारत के अंदर तो उसमें फिर आंध्र प्रदेश सबसे ज्यादा फल उत्पादन करता है 15.6%। ये सभी तरह के फलों का कंबाइंड बात है। और महाराष्ट्र में 12% और उत्तर प्रदेश में 10.8%, देन गुजरात और मध्य प्रदेश का नंबर आता है। अगर फलों के बाद हम सब्जियों का उत्पादन को कंपैरेटिवली देखें स्टेट के हिसाब से तो फिर उत्तर प्रदेश इसमें नंबर वन पर है। 15.5% सब्जियां भारत की वहां से पैदा होती है और एक्चुअली पॉपुलेशन ज्यादा है तो उसको रिक्वायरमेंट भी ज्यादा रहती है। सेकंड नंबर पर मध्य प्रदेश है, आप देखिए इसमें भी जनसंख्या, सॉरी सेकंड नंबर पर वेस्ट बंगाल है तो इसमें भी आप देखिए पॉपुलेशन बहुत ज्यादा है तो यहाँ भी सब्जियों का उत्पादन बहुत ज्यादा है। मध्य प्रदेश, बिहार, महाराष्ट्र तो ये सारे ज्यादा पॉपुलेशन वाले स्टेट है तो प्रोडक्शन भी नेचुरली ज्यादा ही होना चाहिए तभी इतने लोगों का भरण पोषण किया जा सकता है। अब हम वैसे भारत को अगर हम देखें तो उसमें सैकड़ों में सब्जियां और सैकड़ों वैरायटीज होंगी फलों की, उतना सब ये पैदा करता है। लेकिन इस वीडियो में हम कुछ मेजर जो प्रोडक्शन है फलों और सब्जियों को लेकर उनकी बात करेंगे और हम यहाँ स्टेट वाइज बात करेंगे। मैंने आपको फल और सब्जियां सारी स्टेट के हिसाब से असेंबल कर दी है कि एक स्टेट पहले हम लेंगे और फिर उसमें क्या ज्यादा पैदा होता है उसके हिसाब से बात करेंगे दोनों को मिला के, सब्जी और फल दोनों को मिला के। तो हम सबसे पहले शुरू करेंगे जम्मू कश्मीर से। ये केंद्र शासित प्रदेश है लेकिन कई तरह की चीजें यहाँ पर पैदा होती है और उनमें सबसे ज्यादा अगर हम बात करेंगे तो एलमंड, बादाम जिसे कहा जाता है, लगभग 94% बादाम भारत की यहीं से पैदा होती है। और बड़ी इम्पोर्टेंट बात यह भी है कि ये नेपाल और बांग्लादेश को, जो हमारे पड़ोसी देश है, वहां निर्यात भी की जाती है बादाम। वॉलनट, यहाँ आप देखिए 92% वॉलनट, अखरोट कहते हैं हम इसको, तो 92% लगभग यहाँ से पैदावार होती है 2018 के, ये सरकार के आंकड़े हैं, भारत सरकार के आंकड़े हैं। मैं इस वीडियो में जितने भी डेटा बताऊंगा सारे 2018 के ही आंकड़े हैं जो भारत सरकार द्वारा जारी किए गए। तो ये है, और अखरोट जो है वो ग्रेट ब्रिटेन और फ्रांस को निर्यात किया जाता है भारत में, वहाँ बहुत डिमांड भी है इसकी। इसी तरह से एप्पल, लगभग आप देखिए 78% एप्पल भारत की कश्मीर से पैदा होती है और ये भी जो हमारे पड़ोसी देश है मूलतः उनको ज्यादातर ये निर्यात की जाती है एप्पल। हरियाणा, यहाँ देखें इस राज्य के अंदर जिन जिन चीजों का उत्पादन होता है उसमें स्ट्रॉबेरी का नंबर सबसे ज्यादा, 58% स्ट्रॉबेरी भारत की हरियाणा राज्य से पैदा होती है और गाजर, कैरेट 27% यहाँ से पैदा होता है। और तीसरी चीज है कुकुम्बर, इसको हम ककड़ी भी कहते हैं, वो भी लगभग 22% के आसपास यहाँ से पैदा होती है। तो हरियाणा इन तीन चीजों के उत्पादन में नंबर वन पर है। नेक्स्ट स्टेट है उत्तर प्रदेश, और जब इस स्टेट की बात करें तो सबसे ज्यादा पॉपुलेशन वाला स्टेट है, इसलिए बहुत सारी चीजें यहाँ उगाई जाती है और उनमें से कई चीजों में ये
भारत में नंबर वन पर है। जैसे हम मस्क मेलन खरबूजा कहते हैं हम इसको, इसका उत्पादन भी यहाँ उत्तर प्रदेश से सबसे ज्यादा होता है, ऑलमोस्ट 45% हम मान लेते हैं कि इतना प्रोडक्शन यहाँ से होता है। उसके बाद में पीज मटर लगभग 36% यहाँ से उत्पादित होते हैं, और आंवला का उत्पादन भी लगभग 36% ही यहाँ से ज्यादा होता है। इसके अलावा पटाटो आलू लगभग 30%, और वाटरमेलन इसको हम तरबूज कहते हैं, ये भी लगभग 25% यहाँ से पैदा होता है भारत का। और गुआवा अमरूद लगभग 23% अमरूद यहाँ से पैदा होते हैं। अच्छा, अमरूद की एक किस्म है जिसको हम कहते हैं अलाहाबाद सफेदा, ये जो वैरायटी है इसकी अमरूद की, ये बहुत ज्यादा फेमस है, विदेशों में भी इसकी डिमांड बहुत ज्यादा रहती है। और बड़ा मतलब इम्पोर्टेंट बात है कि अमेरिका इस इलाहाबाद सफेदा और जो भी गुआवा भारत से होते हैं उनका बहुत बड़ा कस्टमर है, वहाँ बहुत ज्यादा निर्यात किया जाता है भारत से। इसके अलावा भी अगर हम इसकी बात करें तो यूएई संयुक्त अरब अमीरात में भी इसका जो निर्यात है वो ज्यादा होता है। इसके अलावा कई देशों में इसका निर्यात किया जाता है, ये वेरायटी बहुत ही प्रसिद्ध है इसकी। अगला जो फल है वो आम है, लगभग 21% आम उत्पादित करके भारत का सबसे बड़ा स्टेट है आम पैदावार करने वाला उत्तर प्रदेश। जब आम की बात चल रही है तो मैं थोड़ा सा इसको आपको डिटेल में बता देता हूँ। आम फलों का राजा कहलाता है, पर्टिकुलर एक सीजन के अंदर सबसे ज्यादा बिकने वाला जो फल है वो यही है। गर्मियों में इसको बहुत चाव से खाया जाता है, ये नेशनल फ्रूट भी है, और भारत विश्व में 40% आम पैदा करता है और दुनिया में नंबर वन पर है आम के उत्पादन के मामले। और यहाँ कई सारी सैकड़ों वेराइटीज है आम की जो बहुत ज्यादा पॉपुलर है, उनमें से कुछ की मैं यहाँ आपको बता रहा हूँ कौन कौन से। भारत के जो आम विदेशों में सबसे ज्यादा फेमस है वो है अल्फांसो, इसको हापुस भी कहते हैं। ये मूलतः महाराष्ट्र के रत्नागिरी जिले की बहुत ज्यादा प्रसिद्ध है, पूरे विश्व भर में इसकी डिमांड रहती है, और मूलतः यूरोप जो है उसमें ये इसके जो जो खरीददार है वो सबसे ज्यादा है। लेकिन पर्टिकुलर अगर अल्फांसो की हम बात करें या आम की बात करें, सबसे ज्यादा आम जाते हैं संयुक्त अरब अमीरात में, और इसके अलावा ग्रेट ब्रिटेन में आम की जो भारतीय आम है उनकी डिमांड, और पूरे यूरोप में इस रत्नागिरी की डिमांड बहुत ज्यादा रहती है, इवन यूएसए में भी इसकी डिमांड बहुत ज्यादा रहती है। दूसरी नीलम आंध्र प्रदेश की है, ये बहुत ही प्रसिद्ध है। हिमसागर वेस्ट बंगाल की, दशहरी और लंगड़ा ये दोनों यूपी की आम है जो बहुत बड़ी प्रसिद्ध है, और गुजरात की केसर आम बहुत प्रसिद्ध है। ये कुछ मेजर ब्रांड है जो बड़े ही आइकॉनिक है, दुनिया भर में मशहूर है। इसके अलावा भी कई सारी किस्में आम की भारत में पैदा की जाती है। चलिए हम वापस बिहार की तरफ चलते हैं, और बिहार में जिन फलों का और सब्जियों का ज्यादा उत्पादन किया जाता है उससे लीची का नाम सबसे इम्पोर्टेंट है। भारत की 74% लीची यहाँ से पैदा की जाती है, और इम्पोर्टेंट बात है एक डिस्ट्रिक्ट है मुजफ्फरपुर और उसके आसपास का जो हिस्सा है वहां जो लीची पैदा की जाती है उसको हम शाही लीची कहते हैं, और ये बहुत ही प्रसिद्ध है, मतलब वर्ल्ड फेमस लीची यहाँ से और कई देशों में यहाँ से निर्यात होती है, इसलिए इस मुजफ्फरपुर को लीची किंगडम कहते हैं, मतलब लीची का साम्राज्य कहा जाता है मुजफ्फरपुर। और यहाँ एक नदी है बूढ़ी गंडक करके, उसके आसपास का जो रीजन है उसका जो क्लाइमेट है वो लीची उत्पादन के लिए बहुत ही अच्छा माना जाता है, इस वजह से यहाँ बहुत ज्यादा पैदावार इसकी होती है। इसके अलावा बिहार से बॉटल गॉर्ड सब्जी के रूप में हम लौकी जिससे कहते हैं, लगभग 24% लौकी भारत की यहाँ से पैदा की जाती है बॉटल गॉर्ड। अगला स्टेट है वेस्ट बंगाल, और वेस्ट बंगाल भी हाई पॉपुलेशन वाला स्टेट है जिसमें गोभी का उत्पादन जिसको हम पत्ता गोभी कहते हैं लगभग 25% यहाँ से होता है, ब्रिंजल लगभग 24% हम मान लेते हैं, बैंगन कहते हैं इसके, कॉलीफ्लावर भी यहाँ सबसे ज्यादा होता है, उसको हम फूल गोभी कहते हैं, ये भी लगभग 22% के आसपास उत्पादन यहाँ से हो रहा है। पाइनएपल लगभग 20% उत्पादन पाइनएपल का वेस्ट बंगाल से होता है, और ये भी एक बहुत बड़ा डिमांड में रहने वाला फल है पाइनएपल, और भारत से पाइनएपल सबसे ज्यादा सऊदी अरब जाता है, वहां उसकी डिमांड बहुत ज्यादा है पाइनएपल की। इसके अलावा रडेशिया इसको हम मूली भी कहते हैं, ये भी लगभग 18% तक प्रोडक्शन यहाँ से होता है वेस्ट बंगाल से। मध्य प्रदेश सबसे ज्यादा उत्पादन 2018 के आंकड़ों के हिसाब से नारंगी का करता है, जिसको हम संतरे भी कहते हैं ऑरेंज भी कहते हैं, लगभग 41% जो संतरे हैं वो यहाँ से पैदा किए जाते हैं। वैसे संतरों के मामले में सबसे ज्यादा फेमस है नागपुर, महाराष्ट्र में यहाँ इस सीजन में एक डिस्ट्रिक्ट है नागपुर वो, और वो मध्य प्रदेश के बिल्कुल करीब ही है, यही स्कूल रीजन के अंदर संतरे पैदा किए जाते हैं, पर नागपुर के जो संतरे हैं वो बहुत मीठे होते हैं और ये वर्ल्ड फेमस है, पर्टिकुलर इस जगह के जो संतरे हैं वो बहुत ही इंपॉर्टेंट
हो जाते हैं। और पर्टिकुलर अगर हम एक डिस्ट्रिक्ट की बात करेंगे तो यहाँ सबसे ज्यादा उसका उत्पादन होता है नागपुर से। नेक्स्ट हम गुजरात लेंगे और गुजरात में सपोटा चीकू जिसे कहा जाता है, लगभग 28% चीकू भारत के यहाँ से उत्पादित किए जाते हैं। और यहाँ एक डिस्ट्रिक्ट है जिसका नाम है नवसारी, ये भारत का वर्तमान में सबसे बड़ा डिस्ट्रिक्ट है चीकू के उत्पादन के लिए। इसी तरह से नींबू का उत्पादन भी लगभग 19% यहीं से ज्यादा होता है। बनाना केलो का उत्पादन भी यहाँ से हो रहा है, लगभग 15% उत्पादन केलो का यहाँ से हो रहा है। और एक और इम्पोर्टेंट बात यह है कि भारत में सबसे ज्यादा जो फल खाया जाता है वो बनाना है। इसका इसका जो इसके जो उत्पादन है, जो डिमांड है, वो वर्ष भर रहती है। आम के साथ में ये समस्या, आम एक पर्टिकुलर सीजन में ज्यादा खाया जाता है लेकिन वो एक डेढ़ महीने ही उपलब्ध रहता है। लेकिन बनाना केला एक ऐसी चीज है जो वर्ष भर आपको मिलेगा और इसीलिए कोई सीजन इसका नहीं, तो इस वजह से सारे सीजन में बिकता है। तो भारत के अंदर जिस फल का सबसे ज्यादा उपभोग किया जाता है वो केले हैं, बनाना। और विशेष तौर पर साउथ इंडिया के जो स्टेट है उनमें तो केलों का बहुत ज्यादा महत्व है, ना केवल केले, उनके पत्तों का भी बहुत ज्यादा उपयोग वो करते हैं अपने दैनिक जीवन में। नेशनल रिसर्च सेंटर फॉर बनाना, ये राष्ट्रीय केला अनुसंधान केंद्र है तिरुचिरापल्ली में, 1993 में इसको स्थापित किया गया था। ओकरा का उत्पादन भी गुजरात से सबसे ज्यादा होता है, 15% लगभग। इसको हम लैडी फिंगर भी कहते हैं, पिंडी जिसे हम कहते हैं लोकल। नेक्स्ट स्टेट हम महाराष्ट्र लेंगे और महाराष्ट्र में जिनका उत्पादन होता है उसमें सबसे पहला है अंगूर, 78% अंगूरों का उत्पादन यहाँ से होता है। और यहाँ अंगूरों के उत्पादन के लिए नेशनल रिसर्च सेंटर फॉर ग्रेप्स है, ये मंजरी में है पुणे के अंदर, 1997 में इसको स्थापित किया गया है। तब से ये अंगूरों की खेती के लिए रिसर्च कर रहा है। और एक बहुत ही प्रसिद्ध डिस्ट्रिक्ट है नासिक, जो अंगूरों की खेती के लिए भी और दुनिया भर में एक्सपोर्ट के लिए भी जाना जाता है। बहुत ज्यादा यहाँ के जो अंगूर है वो बड़े प्रसिद्ध है और भारत से अंगूर मूलतः नीदरलैंड और रूस को निर्यात भी किए जाते हैं। इतनी बढ़िया क्वालिटी, विशेष तौर पर नासिक के आसपास की जो क्वालिटी है उसके आसपास के रीजन की, और इसीलिए यहाँ शराब फैक्ट्रियां भी बहुत काम करती है नासिक के आसपास। इसके अलावा पोमेग्रेनेट की बात करें, अनार लगभग, ये भी 63% अनार महाराष्ट्र से ही पैदा होता है। और ऑनियन प्याज 38% जो सब्जी की कैटेगरी में हम रख सकते हैं, 38% यहाँ से प्रोडक्शन इसका होता है। केश्यू नट काजू ये भी लगभग 33% वन थर्ड हिस्सा महाराष्ट्र से उत्पादित होता है। नेक्स्ट स्टेट कर्नाटक है, कर्नाटक में अरेका नट, हम इसको सुपारी कहते हैं, और एक कैप्सिकम, ये 20%। सुपारी का उत्पादन सबसे ज्यादा कर्नाटक से होता है, लगभग 62% भारत की सुपारी यहीं से आती है। नेक्स्ट स्टेट है आंध्र प्रदेश, और आंध्र प्रदेश में स्वीट लेमन जिसे हम कह सकते हैं, और इसको स्वीट ऑरेंज भी कहते हैं, लगभग 61% आंध्र प्रदेश से पैदा होता है। कई सारे नाम है इसके, उसको मौसमी कहते हैं, स्वीट लाइम कहा जाता है, स्वीट लेमन, स्वीट लिमेटा, माल्टा भी कहते हैं इसको, कहीं कहीं लिखा है कि दोनों एक ही है। हालांकि स्वाद में थोड़ा बहुत वेरिएशन इनमें रहता है लेकिन चीजें लगभग एक तरह की है, दिखने में सारे एक जैसे दिखते हैं। तो इनको हम स्वीट लेमन या स्वीट ऑरेंज भी कह सकते हैं या मौसम। नेक्स्ट यहाँ है पपीता, ये लगभग 28% यहाँ से पैदा होता है, और टमाटर भी लगभग 14% आंध्र प्रदेश से आते हैं। तो इस हिसाब से अगर हम देखें इन सारी चीजों में आंध्र प्रदेश का नंबर सबसे आगे है। ओडिशा में स्वीट पोटैटो, इसको हम शकरकंद कहते हैं, इसका उत्पादन यहाँ पर होता है, 25.4% प्रोडक्शन जो है वो यहाँ पर होता है। अच्छा, एक और बात यहाँ ध्यान रखिएगा, जैसे हम पहले यहाँ बात करते स्वीट ऑरेंज की, एक और फल है किन्नू, वो भी लगभग ऐसा ही है लेकिन उसका उत्पादन सबसे ज्यादा पंजाब से होता है, किन्नू का उत्पादन। ओके, स्वीट पोटैटो ये ओडिशा से सबसे ज्यादा पैदा होता है, इसको हम शकरकंद कहते हैं। आगे हम स्टेट ले रहे हैं केरला, यहाँ नारियल सबसे ज्यादा पैदा होते हैं, भारत के लगभग 35% नारियल यहीं से आते हैं। और अगर हम इन तीनों स्टेट्स को, जो केरल है, कर्नाटक है, तमिलनाडु, इन तीनों स्टेट्स को अगर हम देख लें तो 87% नारियल भारत के इन तीनों राज्यों से ही पैदा होते हैं। अब मैं कुछ उन चीजों को आपको गिना रहा हूं जो भारत दुनिया में नंबर वन पर है, जैसे केलों का उत्पादन, आम का, अमरूद का, नींबू, पपीता और भिंडी, इन सब के उत्पादन में भारत विश्व में नंबर वन है, मतलब नंबर एक पोजीशन होल्ड करता है। इसी तरह से नंबर दो पोजीशन पर होल्ड करता है जिन जिन चीजों में, उसमें से वेजिटेबल्स और फ्रूट्स, ये दोनों में सबसे ज्यादा, सभी तरह के वेजिटेबल और फ्रूट्स कंबाइंडली अगर हम बात करें
सबसे ज्यादा यहाँ होता है, सेकंड पोजीशन। फर्स्ट पोजीशन चाइना की है, क्योंकि दोनों ही देशों में पॉपुलेशन बहुत ज्यादा है, तो ये तो पैदा करने ही पड़ेंगे, डिमांड ही सबसे ज्यादा रहती है, और निर्यात करके इन इन चीजों का निर्यात करके ज्यादा सर्वाइव नहीं किया जा सकता है, खराब होने वाली चीजें, तो लॉट ऑफ लार्ज स्केल पर निर्यात नहीं कर सकता, आयात नहीं कर सकते हैं। तो इस वजह से इन ये आयात से बचने के लिए इनकी मजबूरी भी है दोनों देशों की, ये सबसे ज्यादा इसका उत्पादन करें, तो वेजिटेबल और फ्रूट्स। इसके अलावा पटेटो है, टोमेटो मतलब आलू और टमाटर की बात करें, प्याज, गोभी, दोनों तरह की गोभी की बात करें, बैंगन है, इन सबके उत्पादन में भारत विश्व में नंबर वन पर है, नंबर टू पर, सेकंड पर, और नंबर वन में इन इन चीजों में है। अब मैं आपसे कुछ प्रश्न कर लेता हूँ, इतना आपने देखा है तो आप कुछ प्रश्नों के आंसर देंगे, मुझे उम्मीद है आपसे। और पहला प्रश्न है, भारत में सर्वाधिक मटर एवं आलू का उत्पादन किस राज्य से होता है? इलाहाबाद सफेदा किस फल की एक प्रसिद्ध किस्म है? अल्फांसो हापुस आम कहाँ की प्रसिद्ध है? मुजफ्फरपुर जिला किस फल के उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है? गुजरात के किस जिले से चीकू का सर्वाधिक उत्पादन होता है? राष्ट्रीय केला अनुसंधान केंद्र कहाँ स्थित है? भारत में सर्वाधिक अंगूर उत्पादन किस राज्य से होता है? विश्व में सर्वाधिक केले एवं आम का उत्पादन किस देश से होता है? तो आप इन प्रश्नों के जवाब दीजिए, अगर आपको कुछ प्रश्न के उत्तर नहीं आ रहा है तो एक बार इस वीडियो को फिर से देखिए। आपने मेरा ये वीडियो ध्यान से देखा, उसके लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। हम अगले वीडियो में फिर मिलेंगे कृषि संबंधी किसी और टॉपिक को लेके, और संभवतः हम हरित क्रांति की बात करेंगे अगले टॉपिक के अंदर। और तब तक आप अपने आसपास पानी और पेड़ों की रक्षा कीजिए, और अगर आपको मेरा कंटेंट अच्छा लगा हो तो आप मेरा चैनल सब्सक्राइब कर सकते हैं और शेयर कर सकते हैं। अगले वीडियो में हम जरूर मिलेंगे। थैंक यू सो मच।